सब्सक्राइब करें द फॉरेंसिक टेक चैनल को और एथिकल हैकिंग की वीडियोस को मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार, आप देख रहे हैं फॉरेंसिक टेक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं डॉकर के बारे में कि डॉकर क्या होता है, डॉकर के क्या बेनिफिट हैं, उसको कैसे यूज़ किया जाए, डॉकर हब क्या होता है, डॉकर इमेजेस, डॉकर कंटेनर, इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए जो एथिकल हैकिंग और नेटवर्किंग में जाना चाहते हैं और जो लोग डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल वीडियो है। तो पूरा देखिएगा ये वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एथिकल हैकिंग रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपने लाइफ में कभी ना कभी वर्चुअलाइजेशन के बारे में सुना होगा या वीएमवेयर या वर्चुअल बॉक्स यूज़ करते होंगे जिसमें आप काले लिनक्स इंस्टॉल करते हैं। तो ये वही एकदम कॉन्सेप्ट वही है कि मतलब आपने वर्चुअल मशीन में अपना कोई मशीन या फिर कोई सॉफ्टवेयर रन कराया है, वो एक कंटेनर बन जाता है। वहाँ पर आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो आपका एक कंटेनर हो जाती है। और आपने जैसे कि मान लीजिए आपने कोई विंडोज 7 की ISO फाइल डाउनलोड करी या इमेज फाइल डाउनलोड करी, तो इमेज हो जाती है वो जिसमें सारे रिसोर्सेज होते हैं। और मतलब मान लीजिए कि एक बीज है किसी चीज़ का, किसी पेड़ का बीज है, आप वो किसी पेड़ के बीज को आप किसी मतलब ज़मीन में डालेंगे तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उस चीज़ को एक पेड़ बना सकती है। मतलब कि मान लीजिए मैंने आम की गुठली का बीज लिया, मतलब आम की गुठली जो बीज होती है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरा एक पेड़ खड़ा कर सकती है आम का। तो इस तरीके से इमेज होती है और जब वो पेड़ बन जाता है, उसके पास सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा कंटेनर। ठीक है, तो डॉकर में यही चीज़ काम करती है वर्चुअलाइजेशन में भी। इसमें क्या होता है कि कोई एरर नहीं आता है। मान लीजिए मैंने अपने PC में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इस प्रोजेक्ट को मैंने अपने में चला लिया। अब मैं इसको अपने फ्रेंड को भेजना चाहता हूँ और वो इसको रन करता है, उसके PC में एरर आ जाते हैं कि भाई तूने ये चीज़ इंस्टॉल नहीं करी है, वो चीज़ इंस्टॉल नहीं करी है। तो बहुत सारे एरर आने की दिक्कत हो जाती है और कौन इतना मत्थामारी करेगा। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए डॉकर का ही यूज़ किया जाता है। सारे रिसोर्सेज एक बारी में ही एक पैकेज में इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि डॉकर हब क्या होता है एंड डॉकर इमेजेस तो आपको पता चल गया है और डॉकर कंटेनर के बारे में भी आपको पता चल गया है। यहाँ देखिए बहुत सारे इंजन्स हैं या फिर बहुत सारी ऐसी है MySQL, PostgreSQL, जो भी चीज़ आप सर्विसेज रन कराना चाहते हैं वो डॉकर में बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी एंड बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं। तो ये रहा मेरे पास डॉकर हब की वेबसाइट, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ फ्रीली देख सकते हैं और इसका कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा और कैसे हम कर सकते हैं उसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। ठीक है, और ऐसा मत सोचना कि मैंने और चीज़ें नहीं बताई हैं, बहुत चीज़ें बताऊंगा, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में बहुत कुछ है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास एक PC है, थोड़ा PC ऐसे ही लगता होगा मेरे हिसाब से। मैं यहाँ पे एक PC बना देता हूँ छोटा सा, जिससे आपको समझ आ जाए कि हम अपने PC में क्या करना चाहते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए हमारे PC है, हमने विंडो 7 की फाइल डाउनलोड करी, इमेज फाइल, तो वो एक बीज हो जाता है, इमेज फाइल एक बीज मान लीजिए, और जब हमारे PC में इंस्टॉल हो जाता है तो पूरा कंटेनर बन जाता है। तो इस हिसाब से आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने कंटेनर बना लिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ज़रूरत है। उस कंटेनर में ये है कि आपको पाइथन भी इंस्टॉल करके देगा, जावा भी इंस्टॉल करके देगा, कोई एरर नहीं आने वाला है, आप डायरेक्ट उस चीज़ को रन कर सकते हैं बहुत आसानी से। और इस चीज़ का मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा तो दो तीन दिन में ही आपको वीडियो मिल जाएगी। अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, नए साल का हमारा रेजोल्यूशन यही है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने इमेज में रख लेते हैं। अब इस इमेज का साइज़ बहुत कम होता है, जैसे कि मान लीजिए विंडो 7 आपने ली तो उस इमेज का साइज़ 2 GB 3 GB होता है, पर जब वो आप कंटेनर में डालते हैं या फिर PC में इंस्टॉल करते हैं तो उसका साइज़ थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, उसको कितने रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब ये VMware से या वर्चुअलाइजेशन से कैसे बढ़िया है, क्योंकि यार ये बहुत कम रिसोर्सेज लेगा, जितनी इसको ज़रूरत है उतना ही रिसोर्सेज लेगा, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं लेने वाला है। ठीक है, तो हमने इमेज का बना लिया, इमेज का कंटेनर, इमेज बना लिया और कंटेनर बना लिया। तब इसमें हम और चीज़ें ऐड कर लेते हैं कि हमारे पास और क्या क्या आ सकता है, तो मैं और चीज़ें ऐड कर लेता हूँ इसमें। तो ये देखिए हमने कंटेनर को पूरा कॉपी किया, मतलब कि फाइल मान लीजिए हमने डाउनलोड करी थी और अपने कंटेनर में इंस्टॉल कर दिया, जितने उसको रिसोर्सेज चाहिए उतने रिसोर्सेज वो लेगा विदाउट एनी एरर, मतलब कोई भी एरर नहीं आएगा और वो सिंपल रन हो जाएगा। ठीक है,
इस चीज को मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। आप बोल रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकल बताऊंगा, बताऊंगा बिल्कुल बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये साल बहुत सही जाने वाला है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको बता दिया कि विदाउट कंटेनर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ये दो सर्कल में बना दिए मैंने। एक फर्स्ट सर्कल का नाम मैं लिख देता हूँ सी, और सी का मतलब होता है क्लाइंट सर्वर, ठीक है, क्लाइंट के लिए है सी एल आई, ठीक। और यहाँ पर इस राउंड को मैं दे देता हूँ एस, मतलब सर्वर, ठीक है। तो हम कैसे हम इससे कम्युनिकेट करते हैं ये भी बता देता हूँ। ये है हमारा कोई यूज़र या फिर कोई पर्सन जो इस चीज़ को एक्सेस कर रहा है, इस चीज़ को यूज़ कर रहा है, तो ये चीज़ भी बता देता हूँ। अब हमने इसका नाम पी दे दिया है, सी का मतलब क्लाइंट हो गया है, एंड एस का मतलब सर्वर हो गया, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा, इसको बॉर्डर को मैं बढ़ा देता हूँ, एंड अब ठीक है। तो ये देखिए, अब मुझे पूछना है किससे कि कोई जवाब पूछना है, मतलब कि भाई अपना डॉकर का कंटेनर का वर्जन बताओ मुझे, या फिर तो वो पहले क्या करेगा, पर्सन से जाएगा क्लाइंट के पास, क्लाइंट के पास जाएगा सर्वर के पास। जो सी है मतलब क्लाइंट है, वो एक मीडिएटर का काम करेगा, असिस्टेंट का, जो हमें बताएगा, ठीक है। हम ऐसे इस तरीके से सर्कल चलता जाएगा, हम जो पूछेंगे वो क्लाइंट बताए, क्लाइंट पहले उस सर्वर से पूछेगा, फिर सर्वर से क्लाइंट पे आएगा, फिर क्लाइंट से फिर पर्सन पे आएगा। इस तरीके से ये डॉकर काम करता है, और क्लाइंट इसमें मीडिएटर का ही काम करता है। हम डायरेक्ट मतलब ये हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम पर्सन टू सर्वर डायरेक्ट इसमें पूछ सकें कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है, ये थोड़ा एडवांस लेवल आ जाता है वर्जुलाइजेशन का, ठीक है। वर्जुलाइजेशन में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट रिसोर्सेज देते हैं, और इसमें क्या होता है, ये अपने आप रिसोर्सेज लेता है जितनी इसको ज़रूरत है, जितनी लिमिटेड ज़रूरत है, ठीक है, बहुत कम होता है, ठीक है। इतना मैंने समझा दिया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डॉकर क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, इमेजेस क्या होती हैं, एंड ये कैसे बिना एरर के कैसे रन कर लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने बता दिया है, अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो या कमेंट मतलब डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। और प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा, और इस साल मेरा एम यही रहेगा कि 100+ वीडियोज़ मुझे कम्प्लीट करनी है एथिकल हैकिंग की, प्रैक्टिकल वीडियोज़, ठीक है, और थ्योरी भी मिला के। थ्योरी इस बार बहुत आने वाली है, और प्रैक्टिकल पहले से ही पड़ा हुआ है चैनल पे, जो अभी स्ट्राइक पे है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर।